अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 लेक्चर 3 ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 इज़ हम ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे। इधर नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है और इट इज़ फाउंड ओनली इन यूक्रियोट्स। किस तरह पता चलता है कि ये ऑर्गेनल और यूक्रियोट्स में होंगे या प्रोक्रियोट्स में? जब हम डिफरेंस करते हैं तो जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होते हैं या मेम्ब्रेन बाउंड्री जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिर्फ यूक्रियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोक्रियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, दे आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन दैट जनरेट एनर्जी। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी ऑक्सीडाइज फूड एंड गेट एनर्जी। एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसा तरीकेकार है जिसमें हम फूड को ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं, और वो काम किसके अंदर हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये देखें इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो इसकी फर्स्ट मेम्ब्रेन है वो क्या, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज़ द स्मूथ, वो स्मूथ होती है। जैसे ये देखें, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई फोल्डिंग नहीं है, बिल्कुल सीधी सी है। देन सेकेंड मेम्ब्रेन इज इनर मेम्ब्रेन, इट हैज़ इनफोल्डिंग इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये इसका मैट्रिक्स है और ये इसकी इनफोल्डिंग बनी हुई है। इस इनफोल्डिंग को क्या हम कहते हैं, क्रिस्टी। और इस इनफोल्डिंग का क्या रीज़न होती है, इनफोल्डिंग होने की वजह से इसका इनर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे ये अंदर फोल्ड होगी, इसकी लेंथ आप देखें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इसका इनर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। इनर सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी रिएक्शन होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के वो इस इनर मेम्ब्रेन सेकेंड मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, क्रिस्टी पे। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वो रिएक्शन भी ज़्यादा हो सकेंगे। नेक्स्ट फीचर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये इसका बहुत स्पेसिफिक फीचर है, क्योंकि हमने जस्ट पढ़ा हुआ है हमारे पास डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो डीएनए पूरे सेल के काम को कंट्रोल करता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और राइबोसोम है, जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के ही फंक्शन को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्या है, राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर सिमिलर टू बैक्टीरिया। हमने ये भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होते हैं, यूक्रियोट्स में होते हैं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना राइबोसोम्स है वो किसके जैसा है, किससे मिलता जुलता है, बैक्टीरिया से मिलता जुलता है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोक्रियोट्स। तो हमने आज क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन यूक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स में नहीं होता। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, काम क्या करता है, इट इन्वॉल्व इन एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन करता है विच जनरेट एनर्जी, जो एनर्जी प्रोडक्शन में काम करती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसकी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इसमें कोई इनफोल्डिंग नहीं होती, ये वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड इनफोल्डिंग इन द मैट्रिक्स, ये इसका मैट्रिक्स है, यानी इंटरनल फ्लूइड जितना भी है वो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और दैट्स इनफोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टी, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी से फ़ायदा क्या होता है, इट इंक्रीज सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती थी, विच हेल्प इन द रिएक्शन दैट टेक प्लेस हेयर। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया का फीचर क्या है, कि उनका अपना डीएनए और राइबोसोम उनके पास अपना होता है। और ये एमसीक्यूज भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम है। एक माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लास्टिड है जो प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स है वो किससे सिमिलर होता है, बैक्टीरिया से।